राधे रुकेगा अपने ससुराल में। जी हाँ, राधे को ससुराल में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अपने घर में तो पापा की मार पड़ती है, मगर यहाँ दो दोस्त साले उनके जीजा की चंपी करते हैं, उनका मसाज करते हैं, और बुआ जी उनके लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर लाती हैं। खातिरदारी करके कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते कैसा लग रहा है। इतने आम खाए, हमारी जुबान छिद गई आम खा खा के। शरबत पिया, बहुत सारा प्यार दिया इन्होंने, फिर हम पापा जी के साथ गाना वाना भी गाए थे जो इनको नहीं पता है अभी, और मसाज करवाई इनके दो भाइयों से, बहुत मजा आया। राधे बाबू तो दो दो गिलास शरबत पी जाते हैं, और अगर ये जमाई बाबू अपने घर लौटने की बात करते हैं तो ससुराल वाले उन्हें रुकने के लिए फोर्स करते हैं। राधे बाबू को तो ऐसी खातिरदारी खूब भा गई है। हम रुकना चाहते हैं अपने मायके में, और ये भी शायद चाहता, लेकिन मम्मी जी ने कहा है कि नहीं, हम भी रुकना चाहते हैं, चाहते हैं, और मसाज ताकि इसको मिले, हम मिलते खाने के लिए, खाना भी ना अच्छा मिलता तो वहाँ पे भी है, थोड़ा समझ गए सब। राधे जी का तो यहाँ रुकने का बहुत मन है, मगर अम्मा जी ने फोन पर पहले कृष्णा को और फिर राधे को खूब डांट दिया। मगर ससुर जी ने जब राधे के पिता को फोन किया तो उनके पिता ने अपनी अतरंगी स्टाइल में पहले तो कृष्णा के पापा को डांट दिया, फिर कह दिया कि राधे वैसे भी कौन सा बड़ा तीर मारता है, काम काज तो कुछ करता नहीं, तो ससुराल में रहे या अपने घर क्या फर्क पड़ता है। तो फिर क्या था, राधे को मिल गई खुशी, और हाँ उनके सालों को भी। लेकिन फाइनली इसके पापा जी मान जाते, क्योंकि पापा जी को लगता है ये घर वैसे भी घर पे कोई काम तो करता नहीं है, तो उधर ही रहे तो अच्छा है, एक दिन कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी खास। मतलब प्यार नहीं करते तुमसे? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।